नमस्कार दोस्तों। तो आज एक बार फिर हम चल रहे हैं पैदल पैदल बैजरों की तरफ। कल आपको दिखाए थे नदी के नज़ारे लास्ट ब्लॉग में हमने, और आज भी वही दिखाएंगे, लेकिन आज जो है नदी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो जो कल मज़ेदार थे वो अब भयानक हो चुके हैं। तो देखते हैं जो पशु लोग किस मुकाम तक पहुँचे आज, और बाद में पहुँचेंगे हम नयार तक भी। ये हमारी कच्ची रोड का भी हाल देखिए। तो इस तरह का हर आधा एक किलोमीटर पे आपको नज़ारा मिल सकता है जब तेज़ बारिश हो जाती है, और अगर यही बारिश कुछ घंटे और चली तो जो पहाड़ की प्राकृतिक छटा है और जो शांतिमय जीवन है, जो शांत वादियों में ये जो जीवन है, उसमें कुछ ना कुछ खलल ज़रूर डाल देगी। तो हमारी तो यही प्रार्थना है इंद्रदेव से कि अब बस करें, बहुत हुआ। देखिए नीचे पसोल बह रही है और बहुत तेज़ बह रही है, खतरे के निशान से बहुत ऊपर। कल यहीं से हमने वीडियो शूट किया था पसोल नदी का, और कल में और आज में अंतर दिखाई दे रहा है आपको। कल यहाँ बीच में पत्थर दिखाई दे रहा था, जो खड़ा पत्थर था, लेकिन आज वो भी गायब है। तो पुंगड़ा तो तुम्हारे सबदेव के वाला उन तो बड़े अभी उन नए मोटे जान झाड़ जमणु है मैं। तो ये सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है, इस जगह लास्ट वीडियो में भी थी, लेकिन अभी नज़ारा कुछ और है। ले ये क्यों भी है, अभी हम पहुंच चुके हैं लगभग बैजरों का जो ये तलाई है उसके नज़दीक, और अब यहाँ से एक बार फिर आपको दिखाएंगे जो नयार ये बह रही है और पसोल का संगम। तो आज का नज़ारा कुछ अलग ही है, आज नयार बहुत तेज़ है, पसोल का पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। देखिए मंदिर के बिल्कुल नीचे संगम है, लेकिन पसोल एक तरफ सिमट गई है और नयार बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। जो दूधा तौली से खलीसैण जीवई से होते हुए बैजरो, और यहाँ से आगे दुनाव सतपुड़ी से बागाड़ में दूसरी नयार से मिलती है। तो ये है बरसात और बैजरों का तलाई। माँ से माना खुली है, तो जो नयार नदी है वो बैजरों की सुंदरता को चार चांद लगा देती है, और खासकर जब उसमें पानी होता है, ज़्यादा पानी।
नीचे खतरनाक नदी और ऊपर हम। तो ये पैदल पैदल रास्ता नदी के ऊपर से जाता हुआ, चुके हम बैजरो बाजार में और आप कुछ देर यहीं रुकेंगे। जो ऊपर वाली सड़क है ये वन विभाग की, उसका पुस्ता गिर गया, ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो बाजार में सिर्फ बाजार वाले ही है। हाँ जी भाई, कहा था बर्फ है तुम्हारे बेजरों? 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा था। तो तुम तो यहाँ छो बेजरों का अस्त व्यस्त हो? पैदल आए हैं, पहले गाड़ी में आते, पैदल आए। मतलब आप तुम बाइक हम चार नहीं बिठे के ले सको? नहीं, चार भी नहीं, खुद अकेले जा रहे हो, उतना भी नहीं होता। तो ग्राहक ग्राहक है बाजार में कुछ? ग्राहक ऐसे लग रहे जैसे कर्फ्यू लगा हो, जैसे कोई बाहर निकले उसको बोल ही सकता, मगर हमारी मौज सीधे कर्नाटक गई है। क्यों, तुम्हारे तो ऐसी भी सब्जी नहीं रखी थी? नहीं, सब्जी मैंने पूरी रखी है। तो पहले ही सड़ी हुई है? तो वाकई बाजार में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। बरसात का दिन और बैजरो बाजार, कुछ एक दुकानें खुली है और बाजार में सन्नाटा। ये साहब ने भी डेरा जमा दिया यहाँ पे। तो अभी हम निकले हैं घर की तरफ। ये जो सड़क है ये रामनगर वाली सड़क है, और अभी हम घूमते हुए जाएंगे PWD के रास्ते, PWD नदी के पार, PWD का ऑफिस और बंगला। तो ये बैजरों के समीप एक पुल है, लाची का पुल, और ये बहुत जर्जर है, डर भी लग रहा है पार करने में, क्योंकि नीचे उफनती नयार नदी बह रही है। पानी का वेग जो है बहुत तेज है, जरा सी सावधानी हटी तो सीधे सतपुली। तो पहुंच चुके हैं हम PWD के बंगले में, और सामने जो दिखेगा नीचे की साइड को वो है PWD का ऑफिस। PWD बैजरो यानी लोक निर्माण विभाग बैजरो का ये है कार्यालय, नया नदी के बिल्कुल किनारे, और सामने अपना बैजरो बाजार। सबसे इंटरेस्टिंग चीज सामने PWD का ऑफिस, और उसके बगल में मजेदार सड़क, पता नहीं चल रहा सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। क्या बात है PWD की, जो बल मिस्त्री होंदू वे की कूड़ी हमेशा बल छूंदी रहती इन बोल दिन गड़ो नहीं माँ, ये PWD पे सटीक बैठता है। बरसाती नाला बहुत तेज बह रहा है, अब कम हो गया, लेकिन इससे पहले जब
हम उधर से देख रहे थे बैकड्रॉप की साइड से, तो बहुत तेज़ बह रहा था, हम पार कर रहे हैं उसे, उस टाइम पर तो पार भी नहीं किया जा रहा था। ये है बदाड़ू का रौला। तो ये है बैजरो का सेना, बैजरो बाजार, पूरा बैजरो बाजार। पीडब्ल्यूडी ऑफिस, पीडब्ल्यूडी बंगला, दरिया देवता का मंदिर, नीचे नयार नदी जो अपने पूरे बेग से बह रही है, और सामने अपना बैजरो बाजार, और ऊपर सुंदर पहाड़ियों में कोहरा छाया हुआ है। एकदम मनमोहित कर देने वाला नज़ारा, मनमोहक नज़ारा, एकदम सुंदर नज़ारा। ये तलाई है बैजरो के सामने का, और जो बैजरो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो भी यहीं पे है। तो दोस्तों अभी बारिश तो रुक चुकी है और हम चल रहे हैं अभी घर को, तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।